है गाइस, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी आज है हमारा सफ़र शुरू हुआ है जर्मनी का। हम अभी जर्मनी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें जो है सबको मास्क पहनने पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सब ने जो है ज़रूरी मास्क इस्तेमाल करने हैं। तो अभी हम सब वो मास्क लेके अभी आए हैं। आहिल ने भी कुछ खाया था तो अभी सोचा कि आहिल बर्गर वगैरह ले दें, तो अभी दुकान जो है वो आहिल के लिए बर्गर ले रहे हैं। ये भी आहिल बहुत खुश है क्योंकि इसके लिए बर्गर आ रहे हैं और ये पापा उसके लिए बर्गर ले रहे हैं। आहिल खुश है, बर्गर खाएगा वो, बर्गर जी आहिल बर्गर खाएगा। आर्यन कैसा लगा आपको? आर्यन बेचारा थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि यहाँ पे हमने खेलना था प्लेग्राउंड में, लेकिन इतने वायरस की वजह से लोगों ने जो इनकी लोगों की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि हम नहीं खेल सकेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लेग्राउंड बंद है। नॉर्वे में सब खुल गया था ना, तो सब सही हो गया था, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पहले थी जर्मनी में। तो इस वजह से फिर से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। सो लेकिन आर्यन को ये मिला है प्ले टॉय। अभी हम जो है हैम्बर्ग की तरफ जा रहे हैं। ये जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, उसके बाद दूसरा ही बड़ा शहर है। और फरकान जो है अभी मुसलसल गाड़ी चला रहे हैं और हम कल से स्टिल ड्राइविंग फ्रेंड्स। ये 13 घंटे की ड्राइव है, 13 घंटे की। तो हमने अभी एक मुल्क पार कर चुके हैं, बेसिकली दो मुल्क। अभी हम नॉर्वे पूरा पार करके, डेनमार्क के पूरा पार करके, अभी हम जर्मनी के जो सेकंड बिगेस्ट सिटी हैम्बर्ग वहाँ पहुँच गए। हैम्बर्ग से कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है यहाँ पे ये है कि जो इनकी मोटर वे है वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है स्पीड लिमिट, तो आप जो मर्जी चाहे चलाएं। और उसमें यह है कि जो कि आपके सबसे लेफ्ट वाला वो है लेन, हाँ, उसमें लोग इतनी तेज़ी से चलाते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, मैं जो हूँ मैं 150 पे चला रहा हूँ, और यहाँ पे हम वो ऐसे जब जाते हैं यू करके तो सोचें वो कितने पे चला गए होंगे, 200 तो होगी, और तो आपकी गाड़ी हिल जाती है। तो स्टीयरिंग में बहुत यहाँ पे ज़ोर से पकड़ना पड़ता है, एक तो हवा बहुत तेज़ है, हवा कम तेज़ है जी। आज ये देखिए, देखें कितनी तेज़ी से, तो नहीं कहा जाए, पता नहीं ये बैठ लग गए हैं। और डेनमार्क में और जर्मनी के शुरू में जो है काफ़ी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा और बहुत तेज़ बारिश, इस प्रकार ने काटी जाए। अभी बाग मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा सवाल काटी निकली भी है बाहर, जो ही हम जर्मनी यानी थोड़ा अंदर जर्मनी के अंदर आना शुरू हुआ है। गाइस मज़े की चीज़ है कि हमारे दोनों बच्चे सो गए, शुक्र है। और ये पैर छोटा बेबी, ये बड़ा बेबी, दोनों सोए हुए, अभी आराम से फरकान गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है फरकान, आप आराम से चलाए ताकि बच्चों को उठने तक हम कुछ तक सही पहुंचे। मैं भी इसको ऑटो में चला के और थोड़ा सो जाता हूं। हां गाइस, हमें थोड़ा सा आराम भी कर लिया, शुक्र है ना, आराम कर लिया। ये फायदा है टेस्ला का ना, हमें चार्ज की गाड़ी, ये बहुत फायदा है हमारी जो इलेक्ट्रिक कार है, इसको चार्ज किया और हमें थोड़े आराम किए, क्योंकि हम रात को सो नहीं सके थे डेनमार्क में बोर्ड में, तो ये बहुत चॉइस थी। फरकान अच्छा फील कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। ठीक है, जब हम गाड़ी चार्ज करने के लिए आ गए और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी खेलने की जगह मिली है जहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं। अभी दिखाती हूँ, ये आहिल, आहिल आहिल को मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी। ये हैम्बर्ग है, यहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए और साथ ही बच्चों को खिलाने के लिए, थोड़ा सा इनको बेचारों को हम खिला नहीं सके अच्छा रहते हैं, तो इसीलिए अभी हम ऐसी जगह कोई पार्क हम ढूंढ रहे थे, कोई प्ले ग्राउंड जहाँ पे ये हो सके, और ये बहुत बड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप गो कार्ट भी है, वो भी कर सकते हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग सेंटर है, बहुत बड़ी जगह है।
जर्मनी का पिज्जा देखें, यहाँ पे ऐसे पिज्जा मिलता है, थोड़ा अजीब सा है ना। ये हमने यहाँ पे यहाँ से आती था, ये ड्रिंक्स वगैरह लिए, बहुत प्यास लगी हुई थी, ये पानी की बोतल और क्या लिया होगा, हाँ ये बहुत मजे की लग रही है। और यार इनकी आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम हाँ, और ये एप्पल का हमने क्या लिया, ये एप्पल का जूस है लेकिन इसके अंदर ही साथ ही इसमें गैस है, हाँ ये बहुत मजे का लगता है। तभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये घर हमें जो है booking.com से जो है हमने ये घर लिया था और ये हमें 65 यूरो में मिला है। हमने इसमें सिर्फ एक ही राशि करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये घर कैसा है। सबसे पहले इसमें ये अलमारियाँ हैं, इसमें कपड़े वगैरह सती हूँ और सफाई करने के लिए वैक्यूम वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ है। और साथ में ये है टॉयलेट जो कि काफ़ी अच्छा बना लग रहा है, इसमें नहाने उन्होंने तोले भी दिए। वाह, और कमरा वहाँ से शावर रुक गई क्योंकि आज सारा दिन जो है हम लोग पूरा सफ़र करते हैं तो बहुत थक गए। अभी आते हैं कमरे की तरफ, तो ये काफ़ी बड़ा कमरा है, इसमें मैंने सारा सामान भी रखा, बेबी हमारे है तो ये सोफ़ा है, ये बैठ के हम नाश्ता इन्जॉय कर सकते हैं। और ये उन्होंने बेबी का बेड भी दिया, लकीली मैं बहुत खुश हूँ, आराम से आहिर सो देगा। ये हमारा बेड है और इसमें ऊपर इंची जहाँ आ रही है चाहे वो सो सकता है। और साथ में छोटा सा टीवी और माइक्रोवेव भी है, ये फ्रिज भी है। मैं आते साथ में सारी बोतल्स पानी की और जो मैंने ड्रिंक्स की थी वो सारी मैंने इसमें रखती हैं। और ये छोटा सा किचन भी है, तो काफ़ी अच्छा मिल गया वैसे के। और अभी फरकान जो है बच्चों को लेके आ रहे हैं और हम रात के 12 बजे पहुँचे, बहुत देर से पहुँचे। जो ऑनर था वो इतना अच्छा था कि बेचारे ने हमारा इंतज़ार किया, जितनी मर्जी चाहो देर तक। हाँ तो गाइस मैंने बहुत से क्लिप जो है वो रास्ते में बनाए हैं, सनसेट के भी बनाए हैं मैंने। मैं फुल परफेक्ट वैसे नहीं बना पाई जैसे दिखने में, वो इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैं अभी क्लिप जो है वो मैंने बनाए हैं लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था जब सूरज गरूब हो रहा था, इतना खूबसूरत, अल्लाह की कुदरत की क्या शान है। और इसके अलावा अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह क्योंकि रात बहुत हो गई, हम बहुत थके हैं, सोने लगे, सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये भी खुश हैं डोनट खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और ठीक है आगे।
और ऐसा करने के बाद सारा जो है मैंने सारा कमरा साफ़ कर लिए, क्योंकि मेरी एक आदत में हम होटल में जाएँ कि मैं भी सारी चीज़ें साफ़ करके जगह पर रखे भी जाते हैं। और ये फिर कहाँ जो है ट्रैवलिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अब एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाना भूल गई थी रात को, ये बेसिकली जो है केबिन टाइप है, उसमें लकड़ी की लैंप बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दो, ये दिखाना मैं आपको भूल गई। लकड़ी की वुड वुड स्टाइल है, तो क्योंकि वो केबिन है ना, तो और ये बहुत ही अच्छा यानी नेचर वाली जगह है जहाँ पे सारे हर किस्म के यानी यहाँ पे इनके पास बहुत से जानवर भी हैं, खरगोश हैं, डॉगी है, बिल्ली हैं, बतख हैं, मुर्गी हैं, पता नहीं और भी कई चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। तो ये एक फॉर्म सा है गाँव सा, तो ये देखिए ये भी लकड़ी का, ये एयर टिश्यू रखने के लिए ये भी लकड़ी का बना हुआ है। टॉयलेट में भी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर लकड़ी की ही बनी है, वो अच्छी रहती है, लेकिन वो केबिन में नहीं अच्छा लगता है। मैं बाहर आ गई, बच्चे भाई खेल रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है यहाँ पे खेलने के लिए, बच्चे बहुत खुश हैं। अरे भाई को मज़ा आ रहा है, थोड़ा नेचर के करीब है तो बच्चों को अच्छा रहता है नेचर में, और ये इनके थोड़े झूले वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। मिलता है वो मुश्किल से, यहाँ पे आप बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है, पिज्जा है, ये वाली चीज़ें जंक फूड ये अभी तक हमने खाया। तो अभी हम जर्मनी में हैं, अभी तक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तो काफ़ी दूर है, लेकिन अभी हम ऑस्ट्रिया जाएंगे जहाँ पे कि हमने 3-4 रात के रहना है। अभी हम सून ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे पहुँचने वाले हैं, जो शहर है अभी ये हम तकरीबन म्यूनिख के काफ़ी करीब हैं, ये जर्मनी का आई थिंक तीसरा बड़ा शहर है, और ये जो है साउथ में बिल्कुल तीसरा या चौथा बड़ा शहर है। फिर मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर और कोई भी सही चीज़ नहीं हमें मिली। अभी मेरे को गाड़ी जो है चार्ज करने के लिए उतरे, और यहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह है, लेकिन बच्चे नहीं ले सकते, रिचार्ज काफ़ी सुविधा है और क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बंद की हुई जर्मनी में, तो अभी देखते हैं कि देखते हैं बच्चों के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लें, मैंने प्यास लगी काफ़ी कमी है यहाँ पे। अब हमने कुछ चीज़ें ली खाने की और ड्रिंक्स वगैरह, और ये फिर काम खा के लेके जा रहे हैं, और ये दोनों बच्चे के साथ, अब ये फिर काम बच्चों को आइसक्रीम और लेके आ गए। बताइए क्या ये बच्चों के लिए कौन सा जूस है? ये इनका फेवरेट जूस कैप्रिचर विद हेल्थी वन फ्रेंड्स डोनट्स, तो ये बच्चे से नाश्ता में खाते हैं, ये इनका दूध जर्मन दूध है जो कि मैंगो के साथ मिक्स है, ये नए किस्म में हमने नहीं चखा हुआ, और ये स्ट्रॉबेरी के साथ मिक्स जो नॉर्वे में मिलता है, और ये इनकी चॉकलेट्स, और ये भी इनकी चॉकलेट्स जो ये पानी की बोतलें जो है आप क्या लाए हैं फरकान? ये जिनत है, ये अगर आपने रोड में, अभी हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं ना सोन, जर्मनी से ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी से जाना है तो आपने मोटरवे पे जो इनकी हाईवे है उस पे चलाने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, इसे कहते हैं विनत। और ये जो है ये ऐसा स्टिकर है जो हमने यहाँ शीशे पे लगाना है,
कि पुलिस कंट्रोल हो, तो उनको पता चले कि हमने ये किस्म का टॉल है मोटर हाईवे का, तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हो तो आपको फ़ाइन होगा। अभी ऑस्ट्रिया में भी यही है और स्लोवेनिया में भी यही है, उससे अगले मुल्क, लेकिन हम अभी ऑस्ट्रिया जा रहे हैं और वहाँ पर हमने कुछ रातें रहने भी है, तो ये मैंने लिए। ये जो है अभी हम बॉर्डर के पास आ गए हैं, ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर है। इस तरफ से ये जो है, जो दूसरी तरफ जो ये सारे ट्रक जा रहे हैं, ये जा रहे थे जर्मनी और वहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं पुलिस का, वो सारे पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि हम ऑस्ट्रिया जब आ रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉर्डर, यहाँ पे इसकी एक चौकी सी बनी होगी जिसे कहते हैं बॉर्डर कंट्रोल प्लाजा, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि अभी हमारा कंट्रोल होता है या नहीं। और ये देखें, ये अभी हम ऑस्ट्रिया आ गए हैं, ये और ये सीधा कोशिश कर रही है ये इस पे लगाने की, और एक्स का टोल प्लाजा यानी यहाँ पर है। जी हाँ गाइस, अभी हमारा जर्मनी ट्रिप जो है यहीं पे हो गया है, ख़त्म हो गया है, और ऑस्ट्रिया आ गए हैं और कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ भी, कोई चेकिंग नहीं थी बिल्कुल। हम ऐसे ही हम आए, हमें पता भी नहीं चला कि हम जर्मनी ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ से सारी ऑस्ट्रिया हो गई है यहाँ से, इसके मतलब हमारा नेक्स्ट ब्लॉग शुरू हो रहा है। और सही ने वो भी लगा लिया खिड़की पे, ये लगा था। और इसके मतलब है कि सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। जी बिल्कुल ठीक है, टू ऑस्ट्रिया। जी टू ऑस्ट्रिया, तो फिर मिलते हैं, ज़्यादा मिल के लेते हैं। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।